जोश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बख्शीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने के लिए जो कि आपको मेडिकल कॉलेज के बाद हर दम दिखाई देगी। इनका नाम है सोमनाथ जी, जो कि आपको हर पल यहाँ पर दिखाई देंगे। ये कभी पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, कभी लाचारों की हेल्प करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, इनका क्या मकसद है इसके पीछे। सर आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ डगोत्रा है। मैं जहाँ का एक्सीलेंसी अवार्ड होल्डर हूँ, जो अवार्ड हमें हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने या पुलिस वालों ने या ऑफिस ने नहीं दिया है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, हमारा अच्छा काम देखते हुए। अब आपने यही पूछा कि आप जहाँ देखते आते हैं, ऐसा है कि आज से 12 साल पहले मैं रात को जहाँ पर आना हुआ और जहाँ पर मैंने देखा इमरजेंसी के बाहर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। वो 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी तो बेचारे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो उनके पास एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी। उसी वक्त उनको देख के हमारे मन में हुआ कि ना मतलब कि एक एम्बुलेंस जहाँ पे दे दी जाए, तो हमने वो एम्बुलेंस सर्विस जहाँ से शुरू की, हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। तो उसके बाद जैसे जैसे हम देखते रहे तो और काफ़ी चीज़ें जहाँ पे देखने को मिली। तो आज पर्टिकुलरली मैं सिर्फ एम्बुलेंस की ही बात करता हूँ, जो जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है, दूर दराज के लोग जहाँ पे आते हैं, डेड बॉडीज लेके जाना होता है, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि शायद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को भी वो बात मालूम नहीं होगी कि हम स्वास्थ्य मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि डेड बॉडीज के लिए आपके पास कितनी एम्बुलेंस हैं जहाँ पे, या पेशेंट के लिए जहाँ पे कितने हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट एम्बुलेंस है या जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, एक भी एम्बुलेंस ऐसी नहीं है कागज़ पत्रों में जो कि डेड बॉडी को कैरी करती हो। उस डेड बॉडी को कैरी करने के लिए एम्बुलेंस का नाम होता है हर्ष, HERSE। ये मंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे लाश लेने हेतु आपके पास एक भी एम्बुलेंस नहीं है, इस GMC में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आपके पास हर्ष नाम की गाड़ी तक नहीं है, तो ये क्या है? डेड बॉडीज कहाँ पे लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? जो अनऑथराइज्ड हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारे पास भी एम्बुलेंस है, हम भी गाइडलाइन जो MCI की है उसमें हम लाश या डेड बॉडी लेके नहीं जा सकते, ना ही जो सरकारी गाड़ियाँ जहाँ पे है, कोई हर्ष गाड़ी जहाँ पे नहीं है जो एम्बुलेंस के तौर पर जाए और लाश लेके जाए या डेड बॉडी लेके जाए, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ऐसी कई दिक्कतें हैं जो हम समय समय पे उजागर करते हैं। मैं एक RTI एक्टिविस्ट हूँ। डबगोत्रा ने ही जहाँ पे 24 वेंटिलेटर लगाए हैं, डबगोत्रा ने ही जहाँ पे ट्रालियों का इंतजाम करके रखा है, डबगोत्रा ने भी जहाँ 3.5 करोड़ रुपए की जो अफरेसिस मशीन होती है प्लेटलेट निकालने वाली, वो एक सोमनाथ डबगोत्रा है जो इसने रिप्लेसमेंट करवाई थी। लेकिन इसका नतीजा हमें ये मिला कि एक बार हमारी गाड़ी को आग लगा दी एम्बुलेंस को, और 10 बार नहीं तो कम से कम 4 बार मेरे को थाने में बंद करवा दिया गया। लेकिन सोमनाथ डगोत्रा ये कहता है कि जब तक अंतिम सांस रहेगा और इनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। आज ताज़ा मिसाल दे दूं मैं, जहां पे भी जो मंत्री साहब है बालीबाग जी, वो वोट बैंक नीति करते हैं, जहां पे एक हमारे CMO थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह थापा और दो सोशल वर्कर हैं, उनको गवर्नर ने अवार्ड तक दिया है। तो एक एम्बुलेंस जो अपने मंत्री जी हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी कि किसी की डेथ हो गई वहाँ पे वो एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी उनको उनका जो अवार्ड मिला है गवर्नर साहब से, और जो सोशल वर्कर करते हैं और रेड क्रॉस में उनका नाम चलता है और आने वाले सेक्रेटरी भी हो सकते हैं रेड क्रॉस के, लेकिन इसी मंत्री ने बाली भगत ने उनको जहाँ से 80 किलोमीटर दूर हीरानगर जहाँ पे 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और इन डॉक्टर साहब की सिर्फ 1.5 साल नौकरी बाकी है, लेकिन जहाँ पे जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए ये एक मतलब के उनको इनाम दिया जाता है कि उनको हरास करने का, जैसे हमारे साथ हुआ। लेकिन हम जहाँ तक हैं किसी को हरास नहीं होने देंगे, हम जहाँ पे वो लड़ते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कितनी एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस आज से महीना पहले 3 थी,
और तीन एम्बुलेंस में थे, अगर एक किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह चले जाती थी या पुंछ रजौरी चले जाती थी, पीछे दो एम्बुलेंस रहती थी और एक एम्बुलेंस रहती है कि डॉक्टर को शिफ्ट करने के लिए जहां से, और एक एम्बुलेंस रहती है कि जैसे गायनी की कोई किसी को प्रॉब्लम है उसको SMGS छोड़ना है, किसी को डेंटल काले में छोड़ना है, किसी को CD में छोड़ना है और किसी को सुपर में छोड़ना है, उसके बाद में रह जाती है एक एम्बुलेंस। वो एक एम्बुलेंस जम्मू प्रोविंस का एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पे एवरेज 20 से 30 डेड बॉडी रोज की निकलती है और 150 से 200 पेशेंट शिफ्ट होता है जिनके पास पैसे तक नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे ही उनके कपड़े तक उतार लिए जाते हैं टेस्टों के नाम पे, जहाँ और बड़े बड़े टेस्ट करवा देते हैं, बाजार से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, तो वो बेचारे खाली हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर होके जहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस करके जाते हैं और हम भी जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे हम लोग जहाँ पे मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि मजबूरी हॉस्पिटल की ये है कि इनके पास अपनी एम्बुलेंस नहीं है, इनके पास अपनी एम्बुलेंस नहीं है, मजबूरी ये है कि ये हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये हमें मजबूर करते हैं जहाँ पे वापस जाने के लिए, हम बार बार जितने भी मंत्री आए, वो ताज मोहिद्दीन था, RSGP था, लाल सिंह था, जहाँ बालीबाग जी है, हम उनको यही बार बार कहते हैं कि क्यों ना जहाँ पे हॉस्पिटल के 10 एम्बुलेंस खड़ी कर दी जाए और क्रिटिकल केयर 3 खड़ी कर दी जाए। क्रिटिकल केयर का आज मैं रेट बता दूं आपको क्या है, जहां से अमृतसर पेशेंट शिफ्ट होता है 28,000 रुपये लेते हैं, लुधियाना का 32,000 रुपया लेते हैं, चंडीगढ़ का 38,000 रुपया लेते हैं, दिल्ली का 52,000 रुपया लेते हैं, ये कौन सा रेट है? मैं मंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे सिंपल 10 एम्बुलेंस और क्रिटिकल 4 एम्बुलेंस हो, चाहे जो मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, वो लूट खजूर से बच सके, और हमें जैसे हमारे हम इनकी मजदूरी का नाजायज फायदा उठा कर जहाँ पे खड़े हैं, ये क्यों ना हमें मजबूर कर दे कि हम जहाँ से चलता बने। इसमें से लीगल एम्बुलेंस कितनी है? कोई भी नहीं। सरकारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक कर लो, कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, टोकन नहीं है। आज हमने सोमनाथ डबोत्रा जी से बात की, उन्होंने हमें GMC की हालत बताई, तो अब देखते हैं कि सरकार इनकी बात सुनती है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शिव के साथ आदित्य, जम्मू जोश के लिए।